आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल को जुम्मे को पेश करने का हुक्म दिया गया। शहबाज गिल का कहना है कि उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं जिस पर इन्हें शर्मिंदगी हो, न उन्होंने किसी को उकसाने की कोशिश की। मुकदमा इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं है। गद्दारी के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश। थाना कुफसार पुलिस ने शहबाज गिल को हथकड़ियां लगा रखी थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वेस्ट उमर शब्बीर ने केस की समाप्त की। दौरान समाप्त पुलिस ने कहा गद्दारी केस में मजीद तहकीकात करना है, शहबाज गिल का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और कहा शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। उन्होंने शहबाज गिल का मेडिकल कराने का भी मुतालबा किया। अदालत ने रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां दो रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने शहबाज गिल को जुमे को दोबारा तलब कर लिया। समाप्त के बाद गुफ्तगू में वकील फैसल चौधरी ने कहा कि पुलिस ने शहबाज गिल को नामालूम मुकाम पर रखा हुआ है, उनके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है। इनको कहां से लेके आए, इनका मेडिकल कराया गया, उनके कपड़ों के ऊपर धब्बे खून के, फोन इनके ले रहे हैं। हमारा जो अब्डक्शन की एप्लीकेशन है वो थाना बनीगाला में है, उसको कोई रिसीव करने को तैयार नहीं है, जो जिस तरह से ब्रुटैलिटी हुई है। लेकिन जो भी कानून, हमने इनको कहा कि आप जुडिशल भेजे ताकि फिर हम कानून के मुताबिक फर्दर कार्रवाई। समाज से कबल मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा इदारे हमारी जान है, कभी उनके खिलाफ बात नहीं की। मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं, गलत डिस्कशन नहीं है, एक मुर्दे वतन का बयान है, बेशक एक अपनी फौज से प्यार करने वाला। आपने आवाम को उकसाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, मैंने सिर्फ पुलिस ने सहाफियों को समाज सुनने के लिए कमरा अदालत में जाने से रोक दिया। सर हम रोज यहाँ पे कवरेज के लिए आते हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर है आप जाने क्यों नहीं देते? भाई से बात की, वो कह रहे कि आप अंदर आज स्टाफ से पूछ ले, पुलिस वाले हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, आप क्या कहेंगे? सहाफियों ने पुलिस एहलकार से पूछा कि किसके कहने पर रोक रहे हो, तो पुलिस एहलकार कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका।